होम रूल एक्चुअली देखो जो भी नेशनल लेवल पे मूवमेंट चल रहे थे चाहे वो स्वदेशी हो होम रूल हो नॉन कोऑपरेशन साल सोल सत्याग्रह ये सारी चीज़ें तो ये सारे जो नेशनल लेवल पे चीज़ें चल रही थी उस वक्त पे तमिलनाडु पे क्या चल रहा था वो हम डिस्कस करने वाले हैं तो वही है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन तमिलनाडु सत्याग्रह साल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो देखिए जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो पूरे भारत में हमने देखा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट क्यों बोलते हैं हम इसको क्योंकि इसमें पूरा का पूरा नेशन जो था वो इन्वॉल्व था तो तमिलनाडु भी इन्वॉल्व था ठीक है अभी हमें एक बार थोड़ा पुराना याद कर लीजिए एक हमने बोला था कि फ़र्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस 1857 का रिवॉल्व जो हुआ था तो हमने उसके बेसिस में बताया था कि तमिलनाडु में एक एक्टिविटी हो रही थी 1801 में ऑलरेडी हो चुकी थी उसको भी हम उसी तरह का रेबेलियन मानते हैं है ना पंचालम कुरुची वाला जो रेबिलियन हुआ था साउथ इंडियन रेबेलियन ठीक है तो जो मारुदू ब्रदर्स ने किया था और एक एटीन सिक्सटी 18, 1806 जीरो सिक्स में जो आपकी वेलोर यम्यूनिटनी हुई थी है ना तो वो क्या थे ये बेसिस थे आपके 1857 का तो यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी थी है ना तो यू कैन से हा नेशनल मूवमेंट का जो चीज़ें हैं वो तमिलनाडु में बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी एंड ड्यूरिंग दिस नेशनलिस्ट एरा तमिलनाडु में के बहुत सारे लीडर्स जो हैं हमें मिले हैं जैसे कि जी सुब्रमण्यम वी.ओ.सी. चंद्र चंद्रम्बरम पल्लई सुब्रमण्य भारती सी राजोपाला जी राजगोपालाचार्य जी एंड के कमलराज. तो ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको यहीं से मिले हैं साउथ से ही मिले हैं और अगर आप देखोगे नेशनलिस्ट मूवमेंट में इन तमिलनाडु वाज एक्टिव ऑलवेज नाउ बिगिनिंग देखते हैं कि इस मूवमेंट की बिगनिंग कैसे हुई यहाँ पर सो so, अगर हम अर्लियर प्रोटेस्ट देखते हैं तो वो जुलाई एटीन से स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है मद्रास नेटिव एसोसिएशन के द्वारा लक्ष्मी नारसू चैटी एंड श्रीनिवासा पिल्लई ये दो फाउंडर थे आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के मस मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ को बहुत ही अच्छे से क्रिटिसाइज करते थे फिर एटीन एटी फोर में मद्रास महाजन सभा एस्टैब्लिश कर दी गई थी ठीक है और अब मद्रास नेटिव एसोसिएशन को फिर उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज कर दिया गया ठीक है अब देखते हैं मद्रास महाजन सभा क्या करते थे तो देखो आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो चल रहा था आप देखो एक फाउंडेशन कब हुआ है 1884 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी बाद में 85 में आ चुकी थी तो देखो आईएनसी के जितनी ये पॉलिसीज थी और जितनी भी चीज़ें थी एक्टिविटीज थी उसको ये लोग सपोर्ट करते थे है ना अभी जी सुब्रमण्यम अयर इन्होंने ही परफॉर्म री ऑफ हिज विडो डॉटर ठीक और फर्स्ट रेजोल्यूशन निकाला फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस 1885. ही मूव द फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट सेशन एंड ही आल्सो स्टार्टेड नेशनलिस्ट पेपर द हिंदू इन इंग्लिश एंड स्वदेश मित्रन इनका तमिलनाडु में न्यूज़ पेपर्स नेशनलिस्ट पेपर्स निकलते थे एटीन में मद्रास प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की गई अब ये क्यों था इसमें इनको करना था रूरल पॉपुलेशन को इंक्लूड मोबिलाइज तमिलनाडु में फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि 1887 में मद्रास में हुआ था आपका कांग्रेस का सेशन ठीक है और इसके जो प्रेसिडेंट थे हमारे फ़खरुद्दीन त्याबजी जी थे ठीक है तो ये साउथ में हुआ था फिर उसके बाद एनअल सेशन्स आपके धीरे धीरे मद्रास सिटी में होने लगे थे स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं तमिलनाडु में किस तरह से चल रहा था सो so, देखो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में क्या हुआ था पार्टीशन हुआ था बंगाल का उसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट आपका तमिलनाडु में भी स्टार्ट हो गया था नेशनल वाइज प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गए थे और इस टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लीडर्स आपके सामने आए वी ओ चिदम्बरम चे, चे, पिल्लई सुब्रमण्यम शिवा सुब्रमण्यम भारती ठीक है फिर नाइनटीन में आपके जो भारती जी हैं यही साहब हैं ये बिपिन चंद्र बाल को मद्रास सिटी में इन्होंने इनवाइट किया उनको लेकर आए अब यू अब आपको पता है लाल बाल पाल फेमस ट्रायो है ये क्या थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ठीक है और फिर आप देखोगे कि सूरत स्प्लिट के बाद 1907 में बी ओ सी एंड उनके जो फेलो नेशनलिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे चेन्नई गना संगम स्टार्ट कर दिया था तो देखो सूरत स्प्लिट अगर आपको याद होगा तो कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट तो यहाँ पर भी आपको डिवीजन देखने मिला ठीक है तो देखो जो भी नेशनल लेवल पे चीज़ें चलेंगी उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगा अभी सुब्रमण्यम भारती ही वॉज नॉन कन्फर्मिस्ट एंड अनऑर्थडॉक्सड आप मान लीजिए एंड एक रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लेकर आना चाहते थे आपके पॉलिटिकल एंड सोशल स्फेयरस में उन्होंने तमिल वीकली इंडिया ही एडिटेड दिस एंड ही ऑल्सो रोट वेरी फेमस नेशनलिस्ट सॉन्ग्स विदेशा गीतांगल ठीक है तो ये थोड़े सॉन्ग्स एंड बुक्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस व्यक्ति से एसोसिएटेड हैं नाउ वी ओ चिदम्बरम पिल्ले की बात करें तो ये लॉयर थे उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 में वही पार्टीशन के आसपास जो है ज्वाइन किया था इन ये एक्चुअली जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके फॉलोअर्स थे और इन्होंने ही लेड कोरल मिल स्ट्राइक इन नाइनटीन जीरो में ये स्ट्राइक की थी फिर नाइन्टीन में नाइन्टीन uh, जीरो में ही uh, लॉन्च द स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी इन तूती कोरियन इसका मतलब यानी कि इसी वजह से ही वो स्कॉल्डस कोपल लुटिया तमिलन अब आप बोलोगे स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी क्यों लॉन्च किया तो एक्चुअली ना कंपटीशन चलता था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के बीच में और ब्रिटिश स्टीम नेविगेशन कंपनी के बीच में तो वी जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो स्टीम कंपनी थी नेविगेशन कंपनी थी उसको बाइकऑट किया और उसी की वजह से फिर बाद में एक अपराइजिंग भी हुई थी नाइनटीन में तिरुनवेली अपराइजिंग जिसको बोलते हैं एंड ही वॉज़ एबली असिस्टेड बाय अदर लीडर्स जैसे कि सुब्रमण्यम शिवा दोनों को फिर अरेस्ट कर लिया गया इम्परिजन कर लिया गया एंड फिर उनको छः साल की रिग्रेस इंपरिजनमेंट भी मिली थी बहुत ही हार्श पनिशमेंट मिलती थी उनको ब्रिजन के अंदर एंड वी ओ सी वॉज इवन आज टू ड्रॉ एंड ऑयल प्रेस एंड हैं इज़ नोन एज चेकित चेम्बल अब देखिए अब यह इम्पोर्टेंट लीडर्स है नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत ही अच्छे से ही चल रहा था तो अब ये इन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया इनको पनिशमेंट बहुत हार्श मिलती थी तो उसकी वजह से जो स्वदेशी स्टीम कंपनी इन्होंने सेटअप की थी वो तो कोलैप्स हो गया लेकिन एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन तमिलनाडु में सामने आ गई और जिसको बोलते हैं हम भारत माथा एसोसिएशन ओके अभी इसमें जो आपके नीलाकांता हैं ब्रह्मचारी ही प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन इट उनके जो फॉलोअर्स थे वांची नथान इनको ब्रिटिश ने नोटोरियसली ही शूट डाउन कर दिया था राइट right? जो कि याद रखा जाता है अब देखते हैं होम रूल लीग मूवमेंट और होम रूल मूवमेंट तमिलनाडु में कैसे चला तो जो होम रूल मूवमेंट है मद्रास में एनी बेसेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था ये आप जानते हो दो जगह चल रहा था ठीक है एनी बेसेंट वाला मद्रास में चल रहा था 1916 से 18 तक चला एंड फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एनी बेसेंट डिसजन टू लॉन्च द होम रूल मूवमेंट अ पियर्ड इन द न्यू इंडिया ओके जो कि आपका नाइनटीन फिफ्टीन में आपके आया था एंड जिसमें बेसेंट ने बोला था कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द बॉम्बे एंड शी वॉज सपोर्टेड इन अ मूवमेंट बाई तिलक साहब एंड होम रूल मूवमेंट थोड़ा विग्रेस बन चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका तमिलनाडु में कैसे चल रहा था तो देखिए तमिलनाडु में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था ट्वेंटी वन के आसपास नाइनटीन ट्वेंटी वन की बात कर रही हूँ तो 21 के आसपास क्या हुआ था यहाँ पे कैंपेन्स हो रहा था फॉरेन रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ फिर उसके बाद यहाँ पे जो लेकर कन्सेप्शन है बहुत से पार्ट में हो रहा था तो ये लोग उसके भी अगेंस्ट कर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड द टेम्परेंस कैंपेन वाज पर्टिकुलरली प्रोमिनंट इन मदुरई वाला रीजन एंड अगर हम बात करें कि जो आपका एन सी एम है वो तमिलनाडु में कैसे सक्सेस किया दैट सो दैट वॉज बिकॉज ऑफ द सी राजू गोपालाचारी एस सत्यमूर्ति ई वी रामास्वामी नाइक्कर दे आर द इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ एन सी एम इन तमिलनाडु तो जब ई वी रामास्वामी नाइक्कर थे एंड ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी दैट टाइम सी राजू गोपालाचारी बोला करते थे कि काउंसिल क्या करे अब बाइकऑट करे एंड दैट वॉज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ गांधी प्रोग्राम दैट इज़ द बाईकॉट एंड हाउेवर उनके जो व्यूज़ हैं बाकी लोग के साथ जो है नहीं तालमेल खाते थे तो इन द मीन टाइम आपके पेरी आर ई वी आर इन्होंने एक नया सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया बायम सत्याग्रह ठीक है इसका भी क्वेश्चन आ सकता है तो ये जो बायकॉम सत्याग्रह था ई वी आर पेरी आर ने स्टार्ट किया था कैरला में लॉन्च किया था और ये किसके खिलाफ था सोशल सेग्रीगेशन के ख़िलाफ़ ठीक है लेटर ऑन इन्होंने रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस से और सोशल सेग्रीगेशन के इशू को और आगे बढ़ाया एंड इन्होंने एंटी साइमन कैंपेन भी किया था 1929 में ठीक है जब साइमन कमीशन तमिलनाडु में विज़िट किया दूसरे इम्पोर्टेंट लीडर्स आपके इस टाइम के हैं के कामराज तो के कामराज की बात करें तो ही पार्टिसिपेटेड इन दिस बायकॉम सत्याग्रह ट्वेंटी फोर एंड इसी वजह से इन्होंने एंटर कर लिया था आपके नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में अब हम के कामराज की बात करें तो ही वॉज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट एंड ट्रेजर ऑफ रामानंद डिस्ट्रिक्ट कमेटी इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन तो कामराज शुरुआत से ही ही वॉज अ मैन ऑफ मासिस सिंपल लैंग्वेज बोला करते थे और डायरेक्ट चीज़ें बोला करते थे एंड ही हैड वेरी गुड साउंड कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल विगडिम विजडम एंड वो तमिलनाडु के रूरल एरियाज से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ थे ठीक है हर एक विजिट को हर एक विलेज को विज़िट किया करते थे उनकी प्रॉब्लम्स को समझा करते थे और वो हमेशा अपने आप को कॉमन मैन बोला करते थे है ना एंड तभी वो जो आपका जो कांग्रेस है कांग्रेस मूवमेंट को वो विलेजेस में लेकर आ पाए तमिलनाडु के सोल्ट सत्याग्रह की बात करते हैं तो देखिए सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ राइट सॉल्ट लॉ ठीक तो ये सोल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था डांडी मार्च नाइनटीन में हो गई थी फिर सी राजगोपालाचार्य आपके जो टीएनसीसी प्रेसिडेंट थे अप्रैल 1930 में वो बन गए और फिर उसके बाद इन्होंने तमिलनाडु में भी सॉल सत्याग्रह शुरू कर दिया ठीक है इन्होंने तिरुचिरापली से वेदनारायम तक का जो रूट है वो चूज़ किया कि यहाँ से यहाँ से हमें हमें क्या करना है सोल्ट ब्रेक शॉल्ट लॉ ब्रेक करना है तो फिर द मार्च बिगेन देन एंड ऑन इट बिगेन ऑन तमिल न्यू ईयर्स डे दैट इज़ ऑन थर्टीन अप्रैल ठीक है फिर मार्च पहुंच गया आपके डेस्टिनेशन पे दो दिन के बाद राजा गोपालाचारी को अरेस्ट कर लिया गया यही सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के कसूर में एंड उनके साथ कुछ दूसरे लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया तिरुपुर कुमारन लेट द फ्लैग मार्च उनको भी बहुत ही बुरी तरह से मारा गया एंड सिंस ही गार्डेड द नेशनल फ्लैग इन इज हैंड ही वॉज़ कॉल्ड कोदी कथाथा कुमारन सो इनके सेक्रीफाइस को याद करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके लिए जो दे ऑल्सो इशूड द पोस्टल स्टैम इन हिज ऑनर एंड सिमिलरली नेशनल मूवमेंट वॉज एंकरेज बाय सॉन्ग कम्पोज बाय नमक्कल कविंजर रामलिंगम पिल्ले उनके सॉन्ग्स में बेसिकली पिलई जी जो थे वो उनके सॉन्ग्स में गांधीन मैथड्स को बहुत ज़्यादा प्रेस किया करते थे एंड ही सेंग दैट अ वॉर इज़ कमिंग विदाउट नाइफ एंड ब्लड बिकॉज़ देखो आप जानते हैं ना दिस इज़ अ नॉन वायलेंट वे ठीक है और गांधीन प्रिंसिपल को नॉन वायलेंट स्ट्रगल को ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है हाईलाइट किया करते थे अब बात करते हैं लास्ट मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट ठीक है तो अभी 1937 के इलेक्शंस हो गए थे है ना अब ये इलेक्शंस किसके बेसिस पे होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे होते कांग्रेस इलेक्शन जीत चुकी थी और यहाँ पे मद्रास में भी मिनिस्ट्री जीत चुकी थी मिनिस्ट्री बना ली थी और यहाँ पर आप देखोगे कि इट वॉज़ हेरड बाई मद्रास मिनिस्ट्री वॉज हैरड बाई सी राजगोपालाचारी आचार्य एंड देवर अदर नाइन अदर मिनिस्टर्स इन दिस इन हिस कैबिनेट ऑल्सो मिनिस्ट्री जो थी वो 1937 से 1939 तक थी एंड uh, जब अगर आप नेशनल मूवमेंट में हमने समझा था कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था ब्रिटिशर्स ने बिना पूछे हमें इन्वाल्व कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो उसके रिएक्शन में सारी मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया था तो यहाँ से भी रेजिग्नेशन हो गया था अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स प्रपोजल गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया एल तमिलनाडु क्विट इंडिया मूवमेंट ड्रू दिफ्रैक्ट्री वर्कर्स स्टूडेंट्स एंड कॉमन पीपल एक यहां पर भी वाइड स्प्रेड मूवमेंट भी था मूवमेंट था अभी यहां पे बकिंगम एंड कार्नेटिक मिल्स जो थी पोर्ट ट्रस्ट थे ट्रामवे वर्कर्स थे सब ने ज्वाइन किया था लार्ज नंबर्स में और आप देखोगे कि आपके नॉर्थ आरकोट मदुरई कोयम्बटूर सारे रीजन्स में ये मूवमेंट था एंड दे वॉज पुलिस फायरिंग एज राज्यपालम एंड अदर एरियाज़ एंड इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनके जो आई एन ए हैं इट हैड मैनी मैन एंड वोल्ड वुमेन फ्राम द तमिलनाडु नाडू ऑल्सो एंड फाइनली इंडिया ने इंडिपेंडेंस और आज़ादी जो है हासिल कर ली थी फिफ्टी अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन में है ना और मद्रास की जो गवर्नमेंट है ओ पी रामास्वामी के अंदर थी उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया कि वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो इस तरह से आपका हो गया पूरा चैप्टर 17 wherein which we discussed the role of tamil nadu in indian national movement and this is it about the session i hope you like this video and if you did you can subscribe to the youtube channel for more videos and updates and also you can download the sprint upsc app to practice book chapter and topic wise remember candidates just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. so identify your mistakes and work to improve your performance and sprint to pace is the perfect app to all of this अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यू पी ऐप सी यहाँ पर आप अपनी बुस चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए और स्प्रिंट यू पी एस इसके लिए परफेक्ट ऐप है आई विल सी सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच